तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी भले ही नहीं बजी हो, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी कार्यक्रम में अपनी वाहवाही से नहीं चूक रहे हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज राजधानी में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के कार्यक्रम में, जहां बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बीच चले कटाक्ष से राजनीति करवा गए। देखिए ये कार्यक्रम है राजधानी में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के ओपीडी का शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक करने पहुंचे। जैसे ही मंच से कार्यक्रम शुरू हुआ तो सांसद मनोज राजौरिया ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को संबोधित करते हुए बड़ा कटाक्ष किया। राजौरिया बोले कि राजस्थान में तो कांग्रेस ने कब्जा कर दिया है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। जब बारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की आई तो उन्होंने राजौरिया के बयान की सर्जरी कर डाली। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर रघु शर्मा ने कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया सांसद को। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई मनोज राजौरिया जी ने कुछ राजनीतिक टिप्पणी कर दी अभी। अब क्या है, मैं भी तो राजनीति का प्राणी हूं, तो ये अलग बात है कि आज तारीख हो गई 8-7 फरवरी और मुझे मालूम है कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगने वाली है। अब ये 2.5 लाख वेलनेस सेंटर अगर 2014 के शुरुआत में खुल जाते तो 5 साल में हर साल हमारे नौजवानों को रोजगार मिल गया होता। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि 15 दिन में ये वेलनेस सेंटर खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे। दूसरी चीज आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, राजस्थान में भामाशाह योजना पहले से काम कर रही है। अब आयुष्मान भारत के मनोज राजौरिया जी और हमारे मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, हमारा एमओयू हुआ भारत सरकार के साथ, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी राजस्थान सरकार है, लिफाफे पहुंच रहे हैं बेनिफिशरीज के पास, नोडल एजेंसी हम हैं, उस पे एड्रेस लिखा हुआ है राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का। मैं तो भारत सरकार के आयुष मंत्री जी आज यहां विराजमान है, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो राशि आप जारी कर दें, क्योंकि जो लिफाफे आप बेनिफिशरीज को भेज रहे हो वो रिडायरेक्ट होके हमारे दफ्तर में 2-3 बोरों में इकट्ठे हो चुके हैं। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मांग उठाई, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को विशेष राज्य के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सुनकर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने मंच से ही घोषणा की कि आयुष मंत्रालय के 15,000 सेंटर खोलने हैं, जिसमें से राजस्थान से जितने का भी प्रस्ताव मिलेगा उतने ही सेंटर खोले जाएंगे। कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि तो एक साल के अंदर हम इस संस्था की जो नया प्रोजेक्ट है वो आपके हाथ में दे देंगे, और मुझे खुशी है कि एक साल के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और ये लोकार्पण करने का काम आज हो रहा है। आज से यह संस्थान राजस्थान में होम्योपैथिक अनुसंधान के एक विशिष्ट केंद्र के रूप में कार्यरत रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजकुमार मनचंदा, परियोजना अधिकारी डॉक्टर गिरेंद्र पाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।